आगे पानी पीने के लिए इनको पानी वगैरह रखते हैं, इनको भी देख रहे हैं। ये इसके नीचे अंडे हैं, दो इसने दे दिए हैं कि ये ना वो हमने, ये आपको दिखाते हैं अभी, ये मोर के जो एग्स है ना हमने इसके नीचे, क्योंकि हमारे पास मोर पिकॉक के। अस्सलाम वालेकुम, ये कैसे हैं सब दोस्त, उम्मीद करते हैं खैरियत से होंगे। तो आज की वीडियो करते हैं शुरू। आज कुछ ज़्यादा काम है हमें, इसलिए आपको वीडियो भी दिखाते हैं। पहले हमने करनी है यहाँ इस जगह की सफाई अपनी, जहाँ पे हमने बर्ड्स को शिफ्ट करना है। यहाँ पे दो नए चार नए केजेस बनेंगे, तो ये वाली जगह है ना, इसको हम सफाई करने लगे हैं। ये नज़र आ रही होगी, यहाँ पे दो केजेस पड़े हुए हैं हमारे, इस साइड पे भी और इस साइड पे ये जो सामान वगैरह पड़ा हुआ है ना, इसको हम उठाने लगे हैं। इसको उठा के यहाँ से शिफ्ट करेंगे और यहाँ पे इंशाल्लाह एक एक दो केजे यहाँ पे बनेंगे और दो इस जगह पे बनाएंगे हम। तो वीडियो करते हैं स्टार्ट, इसके बाद इसकी सफाई करते हैं और उसके बाद बाकी बर्ड्स को देखते हैं। गर्मी आज काफ़ी ज़्यादा हो गई है, तो वो भी आपको दिखाते हैं, उनको दाना पानी डालते हैं। तो बाकी फिर वीडियो स्टार्ट करते हैं इंशाल्लाह। तो दोस्तों बगैर टाइम ज़ाया किए वीडियो करते हैं शुरू। पहले आपको दिखाएंगे ये डॉग्स आ गई हैं हमारी, ये काफ़ी गर्मी है आज, तो ये आ गई हैं पानी पीने के लिए, इनको पानी वगैरह रखते हैं। इनको भी देख रहे हैं, इनका मुंह खुला होगा, आज बहुत ज़्यादा गर्मी हो गई है। इनको पानी वगैरह तो हमने रखा हुआ है, सब परिंदों को दाना भी डाला हुआ है, गर्मी काफ़ी है। तो बाकी देखते हैं, बाकी जो बर्ड्स हैं उनका हाल देखते हैं। इनका मुंह भी खुला हुआ है, इनको भी हमने पानी वगैरह रखना है अभी। तो इस केज में चलते हैं। ये जो केज है इसमें तकरीबन चार पाँच चिक्स का जो इजाफा हुआ है, ये देख सकते हैं आप, डक्स के छोटे चिक्स हैं तीन, ये चौथा वो पांचवा। ये वाले जो पांच हैं न्यू निकले हैं, हमने बड़ों के साथ ही छोड़ दिए हैं और इनके साथ काफ़ी ज़्यादा अटैच हो गए हैं। और हमारा जो एक है, इसने तो अंडे दिए हुए हैं, ये आपको नज़र आ जाएंगे अभी। चले दिखा दिखा दिखा, ये इसके नीचे अंडे हैं, दो इसने दे दिए हैं। और ये जो बीमार हो गया, इसको लकवा हो गया बेचारे को ना, ये देख सकते हैं, इसे खाया पिया नहीं जाता, ये बीमार हो गया बेचारा। इसके जो इसके साथ वाला था वो मर गया, इसको लकवा हो गया। तो पानी दाना वगैरह बाजरा पड़ा है, पानी भी पड़ा है इनका। तो सात माह हमारे पास बड़े थे पहले वाले, पांच छोटे, टोटल 12 पीस हो गए हैं डक्स के, वो पीछे आपको नज़र आ रहे होंगे। तो कल इंशाल्लाह हमने जो पिजन है वो बाई करने जाना है, तो वो आपको वीडियो में दिखाएंगे हम। ये दो चूज़े हमने जिनको कलर किया होगा, काफ़ी ज़्यादा खुश हैं। इसके नीचे से तकरीबन तीन जो चिक्स हैं वो निकल आए थे डक्स के, ये आप अंडे देख सकते हैं। इसके नीचे हमने आज न्यू जो शिफ्टिंग की है ना, वो हमने, ये आपको दिखाते हैं अभी, ये मोर के जो एग्ज़ हैं ना हमने इसके नीचे रख दिए हैं, क्योंकि इसके नीचे एग्ज़ अब ख़त्म हो गए थे। ये दो पड़े हैं डक्स के और तीन हमने इसके नीचे ऐड कर दिए हैं मोर के। मोर पिकॉक ने भी स्टार्ट कर दिए हैं एक देने, तो बाकी जो दूसरी मुर्गी बैठी है उसके नीचे भी रखने पड़ेंगे। फिलहाल तीन थे तो हमने इस मुर्गी के नीचे रख दिए। चलो खाओ 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 खाओ, आराम से आराम से। ये मुर्गा है ना, मुर्गे को मारते हैं ये, बाकी सब कुछ डराते हैं, ये सारा दिन घूमते हैं। अब इनको लग रही थी गर्मी, तो आ गए, इन्होंने खाना भी खाना था, पानी तो ऑलरेडी हमने इनका वहाँ पे रखा होता पार्क के पास ही, तो ये अब खा लें। बाकी देखते हैं पिकॉक को, बल्कि इस केज में चलते हैं दूसरे वाले में। चल चूजे आ गए, इनको भी हमने डालना। अभी टोटल कितने हैं गिनते हैं, पीछे 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 पीछे, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, पीछे बैठ जा। चलो 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 चलो, ये जी काफ़ी ज़्यादा बड़े हो गए हमारे चूजे। तो पाँच तीन चार पाँच दिन बाद हमने ना इनको मुर्गी से कर देना लैदा, पीछे बैठ जा। तो मुर्गी से कर देंगे लैदा इनको, तो फिर इसको मुर्गे के साथ छोड़ देंगे ताकि दोबारा से अंडे दे सके, क्योंकि हमारे पास मोर पिकॉक के जग जमा हो रहे हैं ना, हमें एक और मुर्गी चाहिए जो कुड़क पर बैठे, जिसके नीचे हमने रखने हैं। तो ये टोटल हमारे पास कितने हैं, तीन नौ, तो ये टोटल हमारे पास 11 छोटे पीस जो काफ़ी बड़े हो गए। तो इंशाल्लाह चार पाँच दिन में इनको लैदा कर लेंगे हम। चलो 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 जी चलो। ये आप देख सकते हैं जी गिलहरी, हमने जो ऊपर रखते हैं ना जंगली परिंदों के लिए खाना, तो वो गिलहरी देख लें कितने मज़े के साथ ऊपर बैठ के खा रही है। ये आपको वीडियो में नज़र आ रही होगी, ये बेचारी खा रही है बड़े मज़े के साथ। हमने ऊपर दाना और पानी रख देते हैं जंगली परिंदों के लिए, ताकि वो खाएं, क्योंकि गर्मी काफ़ी ज़्यादा हो गई है ना।
तो ये इस दरख्त पे आते हैं सारा दिन जंगली परिंदे। तो ये हमने दाना रखा है और साथ में पानी भी उधर भी रखा हुआ है, एक छत के ऊपर भी रखा हुआ है इनके लिए। तो इनके केजेस भी लगाने हैं हमने, वो हम कल की वीडियो में आपको दिखाएंगे। ये गिलहरी आपको नजर आ रहा है खाती हुई। और ये इन्होंने अब जो हमने डक्स को डाला था ना वो खाना शुरू कर दिया, ये सारा दिन ही खाते रहते हैं। काफ़ी अच्छी ग्रोथ भी हो गई है इनकी, अब काफ़ी बड़े हो गए तो उनको भी हमने लैदा करने वाले हैं। जी दोस्तों, हमने आपको बताया था वीडियो में कि आज फिर इस वाला जो ये वाला जो केज है ना यहाँ से अंडा आएगा, तो मोरनी बैठी हुई है हमारी, तो अभी हम देखते हैं उसने अंडा दे दिया कि नहीं, क्योंकि काफ़ी देर से बैठी हुई है, वो आपको नज़र आ रही होगी। इस वाली ने दे दिया था और ये वाली अभी रहती है देने वाली, और वो बैठी हुई है काफ़ी देर से। अब हम इसको उठाएंगे और उसके नीचे से अंडे को उठाएंगे, क्योंकि ये खुद नहीं उठेगी, ऊपर बैठी रहती है ऐसे। तो अब उठाते हैं हम इसे, चलो ये पीछे 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 पीछे, चलो उठो, दे दिया है थले बट साहब है ना, है अंडा है अंडा है। चलो जी टाइम पूरा हो गया है, ये मारती भी है चेक करें जी, है तेरी, चलो 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 चलो, इसको खुद उठाना पड़ेगा। ये कहती है कि मैं कुड़ग हो गई, मेरे नीचे अंडे रख दें, अगर हमने इसको बिठा दिया तो इसने फिर अंडे तो नहीं देने आगे से, तो हमने तो इसे अंडे देने, इसलिए कुड़ग पे इसको नहीं बिठाएंगे, हम किसी मुर्गी को बिठाएंगे। अंडा इसको लेते हैं उठा और आपको दिखाते हैं, ये होता है मोर का अंडा, काफ़ी अच्छा साइज़ है इसका। तो इसको अब हम बिठाएंगे मुर्गी के नीचे, रखेंगे इसको ताकि बच्चे वगैरह निकल सके। अब सिर्फ ये वाली रह गई अंडा देने वाली, इसने अभी तक दिया नहीं है।